स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंदौर शहर में जिस तरह 56 दुकान को एक नया स्वरूप दिया गया है, उसी तर्ज पर अब इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा व उसके आसपास के क्षेत्र को भी स्मार्ट स्वरूप दिए जाने पर विचार चल रहा है, जिसके लिए निगम आयुक्त ने मार्केट व्यापारियों से भी चर्चा की है। शहर के 56 दुकानों को नया आकर्षक स्वरूप देने के बाद नगर निगम ने राजवाड़ा व आसपास के क्षेत्रों को संवारने के लिए प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी कर ली है। निगम आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि राजवाड़ा चौक, इमामबाड़ा, बड़ा सराफा, छोटा सराफा व बजाज खाना के व्यापारियों से सड़क चौड़ीकरण व स्मार्ट प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई है। व्यापारियों से स्वीकृति मिलने के बाद स्मार्ट सिटी बोर्ड की अगली मीटिंग में इस पर फाइनल मोहर लग जाएगी। अप्रैल माह में राजवाड़ा व इसके आसपास के क्षेत्रों को स्मार्ट स्वरूप देने के लिए कार्य शुरू हो सकता है। ये राजवाड़ा चौक के आसपास का जो पूरा एरिया है, जिसमें राजवाड़ा का चौक है, इमामबाड़ा होते हुए जो हमारा बड़ा सराफा है और इसके बाद छोटा सराफा बजाज खाना चौक तक है, तो इन सारी जगहों के लिए हम लोगों ने सेम टाइप की प्लानिंग करी है कि हम लोग इसमें सारी यूटिलिटीज को अंडरग्राउंड करेंगे, सारे बिजली के तार खंभे वगैरह सब हम लोग हटाएंगे और यूनिफॉर्म फसाद डेवलपमेंट करेंगे, पूरी की पूरी प्लेस मेकिंग करेंगे। इस संबंध में आज मेरे द्वारा जो सराफा एसोसिएशन के प्रतिनिधि थे उनसे चर्चा भी करी गई है, पूरे प्लान के बारे में उनको बताया भी गया है। प्राइवेट बिल्डिंग्स के एलिवेशन पे और फसाद के को यूनिफॉर्म करने पे जो खर्च आएगा, इस संबंध में उनसे जनभागीदारी करने के लिए भी मेरे द्वारा आग्रह किया गया है, जिसपे उनका पॉजिटिव माहौल है और हम लोग 3-4 दिनों में जब उनका फीडबैक जो मिला है उसके आधार पर एक नया प्लान तैयार करेंगे और साइट पर जाके उनसे बातचीत करके उसको फाइनल करेंगे। अगली स्मार्ट सिटी की बोर्ड मीटिंग में अगर ये फाइनल हो जाता है तो आगामी